फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो हस्बैंड का और बच्चों का मन कर रहा है कहीं बाहर आउटिंग पे जाने का, तो हम सब लोग जा रहे हैं सीपी। और सीपी में कहाँ जाएंगे, कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं सीपी। और ये पार्थ ने घर को ही प्लेग्राउंड बनाया हुआ है, और पार्थ लगा हुआ है यहाँ पे फुटबॉल खेलने। पार्थ रेडी हो गया? रेडी है चलने के लिए? बस शूज पहनने हैं तो सबको हेलो बोल दो। तो हेलो, सबकी तैयारियां करके मैं तैयार भी हो गई हूँ, मतलब सबकी तैयारी भी की। ये पता नहीं इसमें ऐसे क्यों गिर जाता है ऐसे। मैंने सबकी प्रिपरेशन भी कर दी है, सबके कपड़े आयरन किए, अपने भी किए, और फिर भी मैं सबसे पहले रेडी हो गई हूँ। और अभी हस्बैंड रेडी होने रहते हैं बस, और बच्चे दोनों रेडी हो गए हैं। आपको कितनी देर और लगेगी? 25 मिनट, मेरे को ना अपने बाल में कुछ करवाना है सेटिंग। 25 मिनट होली। अच्छा, मेरे बाल हमेशा मैं ऐसे बांध के रखती हूँ क्योंकि ये ना थोड़े से बाउंसी हो रखे हैं। मैंने स्मूदनिंग कराई थी, उसके बाद मेरे बाल ऐसे हो गए। अब इनको स्मूदनिंग कराने से बिल्कुल ख़राब हो गए। बिल्कुल नहीं करानी चाहिए स्मूदनिंग। तो अभी देख, अभी नेचुरल चीज़ें लगाती हूँ। और क्या हो सकता है हेयर्स का मैं तो 2 मिनट फिलहाल? में रेडी हो गया था। 2 मिनट में हो गया था। चलिए अब सब रेडी हो गए हैं और चलते हैं, निकलते हैं। और आपको रास्ता भी दिखाऊंगी और सीपी दिखाऊंगी और जहाँ जाएंगे वो सब दिखाएंगे। डिसाइड हुआ है कि हम सब जाएंगे बारबेक्यू नेशन, वहाँ जाके दिखाती हूँ आपको। अब बस बैठ रहे हैं कार में और फिर निकलते हैं। और मैं भी बारबेक्यू नेशन फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, उससे पहले नहीं गई, तो मैम भी जाके ही देखूंगी कैसा हवा वेराइटी है। तो आज हम ना ड्राइवर साथ लेके जा रहे हैं, ताकि वैसे तो सीपी में कोई पार्किंग इशू होते नहीं है, पर हस्बैंड को लगता है कि मैं भी ज़रा फ्री होके घूमूं। तो ड्राइवर कार को संभालेगा। तो सीपी में ऐसे बिल्कुल भी इशू नहीं है, तो इनको अच्छा लगता है ड्राइवर साथ लेके जाना। तो हम आ गए हैं बारबेक्यू नेशन, और इसके साथ में ही डोसा फैक्ट्री है सीपी में। मेरा मन डोसा फैक्ट्री का भी है, बट हस्बैंड का मन है बारबेक्यू नेशन और लजीज में से एक में जाने का। तो अभी हम पहले वैरायटी चेक करके आ रहे हैं। वैरायटी अच्छी मिलेगी बारबेक्यू नेशन में, क्या वैरायटी है, क्या बना हुआ है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो पहले मैं जा रही हूँ वैरायटी चेक करने के लिए। आ जाओ, ये रहा बारबेक्यू नेशन। तो चलिए चलते अंदर। अब हमने देख लिया है एक और रेस्टोरेंट खुला है बारबेक्यू नेशन का ही दूसरा, उसको चेक करके आ रहे हैं वो कैसा लगेगा। अच्छा लगा तो वहाँ चलेंगे, एक बार देख लेते हैं वो भला। वो बारबेक्यू नेशन के बाहर ही बैठा है वो। हम आ गए हैं कैसल, कैसल है ना भैया, कैसल बारबेक्यू नेशन में। और यहाँ का देखते हैं, यहाँ पे क्या वैरायटी है, कैसी है, कैसा फ्लेवर है। फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, तो सबसे पहले स्टार्टर आ रहा है। और यहाँ पे क्या ग्रिल में सर्व होता है ये ना, यहाँ पे अभी आएगा जब आपको दिखाऊंगी। तो हम एक्साइटेड हैं और अभी आपको दिखाते हैं इसे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आई है ये भरमा गोलगप्पा और पापड़ी चाट। आदि आदि भरमा गोलगप्पा पागल, पहले टेस्ट करो वन वन। और पापड़ी चाट खा के देखते हैं, जैसे जैसे आएगा आपको दिखाते जाएंगे। यहाँ पे सर्व हो रहे हैं क्रिस्पी कॉर्न्स। ओए फोक गिर गई यार। और आ रहा है तंदूरी आइटम। अभी हमने भरमा गोलगप्पे खाए, टेस्टी है, और पापड़ी चाट। कैसा लगा पार्ट? चाहिए मशरूम है, पेशावरी सोया चाप, सोया चाप, पेशावरी सोया चाप। चलिए चलो पार्ट, मशरूम लेगा चाप, और ये हनी चिली पटेटो। क्या? हनी चिली पटेटो बच्चों के फेवरेट है। वो
है मेरी प्लेट, पाइनएप्पल टिक्का जो कि मुझे बहुत पसंद है, खट्टा मीठा, और उसके साथ मैंने लिया है हनी चिली पोटैटो, क्रिस्पी कॉर्न्स, और वो भी ट्राई करूंगी। आदि ने पास कर दिया खाना, अच्छा लगा आदि? एक पीस भैया पनीर का पाया, अभी से ट्राई करती हूँ। मोमोज लेने आपको, मोमोज रिपीट कर देना। ये पोटैटो सालसा और ये पूरा वेज स्नैक्स रखा है ग्रिल के ऊपर, और सभी काफी अच्छा है। चलिए अब खाते हैं, एंजॉय करते हैं। ये यहाँ पे बेसन के लड्डू, और इधर मावा बर्फी, और ये बेसन की बर्फी। ऊपर वाला वैसे ही रखा हुआ है, ऊपर वाला नहीं है, और नीचे है फ्रूट टार्ट, और ये भी स्पॉन्ज केक है, ये चॉकलेट रम बॉल ले ली बार तूने, ये केक ऑफ द डे, एंड ये ग्रीन एप्पल पेस्ट्री, और इसके नीचे है ये शाही टुकड़ा, और ये है गुलाबी खीर, और इधर पे है फ्रूट कस्टर्ड। तो ये इनका स्वीट काउंटर है। इनका मेन कोर्स है, मेन कोर्स में ये है नूडल्स एंड हॉट गार्लिक, और इसके बाद इससे नेक्स्ट है ये कैप्सिकम की सब्जी और स्पिनच की, और इसके साथ है ये चना मसाला और वेजिटेबल पुलाव, और इसे नेक्स्ट मैं वेज में दिखा रही हूँ आपको अभी। और वेज में है नेक्स्ट पनीर लबाबदार और पंजाबी कढ़ी पकोड़ा। और ये है दाल मखनी और स्टीम राइस, आपको पनीर लबाबदार थोड़ा पास से दिखा दूँ, और इसके साथ यहाँ पे है नॉन वेज की वैरायटी, इधर नॉन वेज की वैरायटी है, और इधर है ये सैलेड काउंटर, ये सैलेड काउंटर है। इसके साथ यहाँ पे है नॉन वेज की वैरायटी है, ये चिकन बिरयानी, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं ओपन नहीं कर रही हूँ, और इसके साथ है मटन रोगन जोश, ये मुर्ग रारा, और इसके साथ ये फिश इन ब्लैक बीन सॉस, ये मैं नीचे पढ़ के दिखा रही हूँ, चिकन इन शेजवान सॉस, और यहाँ पे दो सूप रखे हुए हैं, एक वेज एक नॉन वेज। चलिए अब मैं अपनी टेबल पे जाती हूँ एंजॉय करने के लिए फूड। ये रहा इसका, मैं यहाँ पे लेके आई हूँ अपने लिए थोड़ी सी स्वीट्स डाल के, वैरायटी तो बहुत सारी थी पर इस वजह से मैं ये लेके आई हूँ, और अभी देखते हैं ट्राई करके कैसी है ये। तो यहाँ पे है शाही टुकड़ा और कस्टर्ड है, ले आओ। अच्छा आइसक्रीम काउंटर एक अलग है, और बेसन लड्डू ट्राई करो, थोड़ा सा मीठा है, आधी स्वीट ट्राई कर ले। चलो मैं ट्राई करती हूँ फिर आपको बता दूँ।
है मेरा वेज सूप, मैं इसको एंजॉय करूँगी। वेजिटेबल, सारी वेजिटेबल्स गली हुई हैं ऑलमोस्ट इसमें, ब्रोकली कैरेट और भी है। चलो खा के देखती हूँ। पहले मैं अपने लिए लेके आई हूँ नूडल्स और मंचूरियन और साथ में राइस, और अभी मैं लेके आई हूँ चना, तो उसके बाद और वैरायटी देखेंगे। पार्थ नूडल्स फ्राई कर ले आज। ये यहाँ पर है लाइव काउंटर डिम सिम, और ये प्राइस के लिए गोल्डन कम। बारबेक्यू जिसमें हम आए थे, और अब जा रहे हैं नीचे। चलो नीचे लिफ्ट से चलोगे? चल स्टेयर से ही चलते हैं आज, अब बहुत देर लगेगी। टेस्ट टेस्ट में बहुत सारा खा लिया, और कुछ वैरायटी थी तो सब कुछ टेस्ट करने के चक्कर में बहुत सारी खाना हो गया। चलिए अब घर चलने की तैयारी है। 11 o'clock के आसपास और टाइम हो रहा है, और सिटी में पूरी रौनक है। फूड कोर्ट सब खुले होते हैं। बंद कर दिया वो? अच्छा, जहाँ से दिखता। हाँ, राष्ट्रपति भवन की लाइट हम नहीं देख पाए क्योंकि वो पूरा बंद कर दिया गया है। यहाँ पे पूरी शीट्स लगा दी और पूरा कवर कर दिया, नहीं तो बड़ा अच्छा लगता है। ये यहाँ पे कुछ ना काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, इस वजह से बंद कर दिया होगा। हम घर आ गए हैं, बहुत मज़ा आया ना, और हमने बहुत सारा खा लिया टेस्ट करने के चक्कर में। हाँ, चलो ऊपर चलते हैं। अब सोएंगे ना तो इतनी जल्दी नींद आएगी, बहुत तेज नींद आ जाएगी, बहुत तेज नींद आने वाली है अब हमें। चलिए गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय बाय।